वेलकम बैक गाइस, आप लोग का स्वागत है वापस से एक महीने बाद, क्योंकि हर बार मैं लेता हूँ कुछ लंबे टाइम का ब्रेक मेरे चैनल को बंद करवाने के लिए। और इस बार हम आए हैं रॉकी रानी की प्रेम कहानी के ट्रेलर पर रिएक्ट करने के। आदि पुरुष क्यों नहीं देखी वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पैसे बर्बाद नहीं करने थे मुझे और मुझे सरदर्द भी नहीं चाहिए था। अब हम रॉकी रानी का जो ट्रेलर आया वो देख लेते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई डू इट। और रॉकी रंधावा दिस साइड। शिट यार, आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। नो आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू ऑब्जेक्टिफाई यू। आई वाज कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना। देखने की चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई है जी, ऑल नेचुरल नो स्टेरॉइड। आज सुन आई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी। भाई तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? प्रॉब्लम यही है, तू ना मुझे डफर समझती है। चल आज तू कुछ पूछ के देख, गूगल के चीथड़े नहीं फाड़ दिए ना, मेरा नाम भी रॉकी रंधावा नहीं है। वेस्ट में, बट ऑबवियस ईस्ट में है। ये ट्रिक क्वेश्चन था। ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी, लेकिन फिर मैं तुम्हें चेकआउट कैसे हुआ? पिघला के मारी। हाय झुमका, ओए झुमका, हाय झुमका झुमका। व्हाट झुमका? आठ छपवा दे, मंडप सजा दे, घोड़ी पे सवार आ रहा रानी का राजा। होल्ड योर हॉर्स। सी द प्रॉब्लम इज कि हमारी फैमिलीज बहुत अलग है। रिश्ते का स्टीयरिंग व्हील चाहे अपना हाथ में हो, बैक सीट ड्राइविंग फैमिली करता है। फिर क्या चाहती क्या है? मैं आके रह जाऊं तेरी फैमिली के साथ, तू मेरी फैमिली के साथ आके रहेगी? तू रैंडम चीजें सजेस्ट कर रहा है कि तू मेरी फैमिली के साथ आके रहे। मैं ओह माय गॉड, जीनियस। इट्स अ स्विच। 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर। अगर ये सर्वाइव कर गए ना, तो शायद शादी के अगले 50 साल भी सर्वाइव कर लेंगे। स्विच। मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी बंद ही कर दो, क्या फायदा? शमिता तो है नहीं। शमिता? शमिता कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? बिग बॉस। क्लास ना एजुकेशन, तुम इस लड़के के साथ शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? इन दोनों की प्रेम कहानी की औकात मैंने ना दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी नहीं। खेला हो बे। और तू सही कहती है, हम दोनों बहुत अलग हैं, और कितनी भी कोशिश कर लेना हमारे बीच के फर्क खत्म नहीं होंगे। फर्क तो खत्म नहीं होगी, अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है रॉकी। नहीं तोड़ा करते। वो आंटी कपड़ों के बारे में पूछ रहा था। लॉन्ड्री? लॉन्ड्री? बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। गलत हो गया आंटी, आप रानी की मम्मी हैं। लिटरली टोटली कचरा लग रही है मूवी। ओपन रिव्यू है, मजा आ रहा है, मैं हंस रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ मैं हंस रहा हूँ, बट दीज काइंड ऑफ जोक्स आर फैमिली ड्रामा। जैसे में करण जौहर है फैमिली ड्रामा के फेमस है, वो 7 साल बाद आ रहे हैं, बट दिस टोटल डम शिट इज नॉट वर्थ इट। मेरे सच्ची में कहानी पूरी बता दी भाई ट्रेलर में, क्या बच गया मूवी में जानने के लिए? हाँ, इससे अच्छी तो ये सत्य प्रेम की कथा जो अभी रिलीज हुई है वो जाके देख लो भाई। मैं बोल रहा हूँ तुमको, अच्छा खासा शॉर्ट मटेरियल, अच्छी खासी ट्विस्ट जो ट्रेलर में बताया गया मूवी में, उसके सिवाय फुल सेकंड हाफ है, नेक्स्ट डिफरेंट थिंग है वहां पे। और ये मूवी पूरी ऑफिशियल ट्रेलर में कहानी ही कहानी छापती, ये लो कहानी, हाँ हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम दोनों की नहीं बन रही। अरे तो आदमी मूवी हॉल में क्यों जाएगा? व्हाट आर यू सर्विंग मी? मेरे लिए क्या एक्साइटमेंट रह जाएगा मूवी में जा करके देखने के लिए कि आपने उस चीज को कैसे राइट आउट किया, कैसे आपने उसको स्क्रीन प्ले लिखा?
आपकी उस चीज पे अब नहीं जा रहे हैं लोग मूवी देखने, एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ अलग चाहिए। आपने जो चीज दिखाई है ना, दिस इज अ कंटिन्यूस रिपीटेशन थिंग, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और अब बोल रहा हूँ, बहुत गंदी तरह से पिट जाएगी मूवी अगर सही से मार्केटिंग नहीं की। करण जौहर वापिस आ रहा है, बट दिस इज नॉट व्हाट वी वर थिंकिंग अबाउट हिम। कम बैक फ्रॉम करण जौहर, यार अच्छी मूवीज बनाई है उसने, हमें बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी मूवी देखी, मेरे जन्म से पहले उसने बहुत अच्छी मूवीज बनाई हुई है, बहुत पुराना है, बहुत बड़ा नाम है, धर्मा प्रोडक्शन है उसके साथ। बट लिटरली देश, मैं माफी चाहूंगा, बट भाई मैं इंतजार करूंगा मूवी के आने के बाद, थोड़े से पेपर न्यूज़पेपर रिव्यूज देख करके जाऊंगा, क्योंकि मैं हूँ स्टूडेंट। भैया मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 नहीं हो रखे, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा यूट्यूब से पैसे लगाने के लिए। सब्सक्राइबर्स 1000 बचाओ, मैं खुद रिव्यू बनाने आ जाऊंगा। ऐसे दिस इज अ नाइस वे टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स, प्लीज डू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब कर लो। मूवी तो वैसे भी कुछ खास लग नहीं रही, इसी मंथ में 22 दिनों में आ रही है, 22 दिन पहले ट्रेलर डालना, मतलब 3 वीक पहले, क्वाइट अ गुड आइडिया टू क्रिएट मास इज टू अपियर ऑन द स्क्रीन। बट यार दिस इज माई टोटल ओपिनियन एंड रिएक्शन टू दिस मूवी ट्रेलर, बट होप सो यू गाइज लाइक इट, एंड प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू वॉन्ट मोर ऑफ दिस कॉन्टेंट। एंड यस, दिस टाइम कंसिस्टेंसी मैं बनाऊंगा, चिंता नहीं करो। बीच में 1 महीने आई थे, मैंने पूरी कंसिस्टेंसी से वीडियो डाली थी, फिर एग्जाम्स आ गए और मैं बाहर चला गया। एग्जाम्स के बाद छुट्टी मिली थी, मैंने फुल वैकेशन 15 डेज का लिया था, बिकॉज आई वॉन्टेड दैट वैकेशन। अब बहुत मजा आया, सो ऑल द बेस्ट, एंड यस प्लीज डू लाइक माई चैनल। पीस आउट।